ये है हमारा मदरबोर्ड और ये हमें करना स्वैप, इसमें है डाटा इम्पोर्टेंट और ये दूसरे फोन में स्वैप करना। एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर हमारे फोन में बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है और वो डाटा निकालना है और या लॉक खोलना है या फोन डेड हो गया, मतलब फोन के अंदर डाटा है इम्पोर्टेंट है या मेरे को थाने में जमा करना फोन या कुछ इसमें कॉल रिकॉर्डिंग है, कुछ फोटो है, कुछ वीडियो। ये अक्सर बहुत से भाइयों का सवाल होता है और इसी सवाल के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी ये देखो यहाँ पे एक फोन आया, ये देखो ये Realme 1 फोन है। अभी ये किसी दुकानदार से आया मेरे पास में। अब ये देखो तो ये फोन पूरा खत्म है। ये देखो जैसे गाड़ी के नीचे आ गया हो या किसी ने फेंक के मारा हो। ये बैटरी देखो क्या हो गया इसका। ये मदरबोर्ड है इसका, मदरबोर्ड देखो क्या हो गया। मदरबोर्ड अनटच मदरबोर्ड है फिलहाल तो, अभी तो कोई छेड़खानी नहीं हुई है। ये देखो क्या हो गया इसमें, ठीक है। और ये देखो ये पूरा ये देखो, और ये सेम फोन है ये कस्टमर ने दिया। तो अब मेरी बात सुनो, देखो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। इसमें है डाटा और वो डाटा निकालना है, तो डाटा कैसे निकलेगा, कोई तो तरीका होगा। तरीका ये है इसका डाटा कि भैया इसके अंदर एक स्टोरेज आईसी होती है और एक इसका माइंड होता है जो इसे चलाने वाला होता है। अगर ये दो चीज EMMC या UFS या CPU, ठीक है, ये अगर फोन के सही है, अगर ये दो चीज CPU तो होता ही होता और CPU के साथ में अटैच होता स्टोरेज, चाहे वो EMMC IC हो सकती है चाहे वो UFS IC हो सकती है, अगर वो दो चीज सही है और मदरबोर्ड टूट गया है या दो टुकड़े हो गए या कोई ऐसा फॉल्ट हो गया जो उसे आप सही नहीं कर पा रहे या सही नहीं हो रहा वो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मदरबोर्ड को करना पड़ता स्वैप। स्वैप मतलब सेम एक ऐसा ही मदरबोर्ड उठाना है, चालू मदरबोर्ड उठाना। जैसे कई बार स्क्रैप से मिल जाते हैं या कहीं से ऐसे होते हैं कि फ्रेश मदरबोर्ड मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं तो जुगाड़ हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास जुगाड़ हुआ, कस्टमर ने खुद मेरे को Realme 1 फोन दिया मेरे को। ये चालू फोन है, ये देखो ये चालू फोन है, पर इसके अंदर इम्पोर्टेंट डाटा है, सीक्रेट डाटा है, कुछ ये थाने फूने में देना तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट आता और ये बचाना। और ये देखो अभी बिल्कुल ना ये बिल्कुल फ्रेश है, मतलब अभी कोई छेड़ाखानी नहीं हुआ, अभी कोई हार्डवेयर वाला कोई काम नहीं हुआ इसमें, ठीक है। इसे रिपेयर भी कर सकते हैं, अगर बाई चांस टेढ़ा मेढ़ा हो रहा तो रिपेयर, बहुत कम चांस है रिपेयर होना, तो इससे अच्छा तो यही है कि स्क्रैप से या कहीं से फ्रेश मदरबोर्ड लो और इसके दिमाग को और स्टोरेज को निकाल के सेम ऐसे फोन में डाल दो, मतलब ये फोन चालू है। अब इसमें देखो ये है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका EMMC IC को निकालेंगे और CPU को निकालेंगे, तो दोनों IC को निकाल के इसके अंदर डाल देंगे, इस मदरबोर्ड के अंदर नया लगा देंगे, जो इसके हैं उसको साइड फेंक देंगे और जो इस मदरबोर्ड के हैं वो इसमें लगा देंगे, और जो फोन के अंदर, इस फोन के अंदर कोई भी डाटा, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, कोई कॉलिंग नंबर है या कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई फोटो है, कुछ भी कहीं नहीं जाएगा और वो सेफ बच जाएगा। अगर फोन के अंदर अगर लॉक भी लग रहा होगा ना तो वो लॉक भी इधर आ जाएगा, मतलब क्योंकि हमने एक तरीका से हार्ड डिस्क चेंज कर दी है और कंप्यूटर अलग अलग है, हार्ड डिस्क चेंज कर दी, सब कुछ वही रहा, तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। आप कई बार सुनते हैं कि स्वैप करना, स्क्रैप मदरबोर्ड किस काम में आते हैं या फ्रेश मदरबोर्ड का क्या काम होता है या कैसे होता है इन चीजों को, तो वो तरीका यही होता और इसी तरीके से हर किसी फोन का डाटा बचाया जा सकता है। डाटा भी जब बचेगा, जब सामने वाली पार्टी को इस फोन का पासवर्ड पता होगा। अगर फोन के अंदर पासवर्ड लगा हुआ है और उसे पासवर्ड नहीं पता तो डाटा इम्पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा वो फोटो और वीडियो को ही बचा सकता है, ना तो कोई कॉलिंग नंबर बचा सकता, ना कोई कॉन्टेक्ट नंबर बचा सकता, ना कोई ऐप बचा सकता, ना कोई
व्हाट्सएप ऐप की हिस्ट्री वो बचा सकते, मतलब कुछ नहीं बचा सकते, बस फोटो वीडियो मोस्टली बची जाती है अनलॉकिंग करने के बाद में, कई बार होता है ऐसा। ठीक है, तो ये वो तरीका भाई। अब ये कस्टमर ने हमें लाके दिया है स्पेशल, तो अब हम इस काम को करेंगे। और हो सकता है कि मैंने इसी वीडियो में, इस वीडियो के पीछे आप देख रहे होंगे, हो सकता है कि मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हो आपको बताने के लिए, हो सकता है कि इसके बाद इसका एक फुल वीडियो आए, तो वो भी देख लेना। ठीक है, तो वो डाटा इसी तरीका से बचाया जा सकता है। या आप अपने कस्टमर को बताओ इन चीजों के बारे में, जब आपकी दुकान पे कोई फोन आता है या कोई बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, चाहे ऐसे भी कस्टमर होते हैं। अब ये जो सामने वाली पार्टी है ना, सामने वाली पार्टी को मैंने एग्री किया, वो उसने एस्टिमेट मतलब वो करके दे दिया मेरे को, फोन का जुगाड़ करके दे दिया, मैंने उसे पैसे बता दिए, इतना पैसा लगेगा भाई, और 1% मतलब डेड का चांस भी लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा भाई। काम कर रहे हैं, उसका डाटा बचा रहे हैं, और उसने बोल दिया कि पैसा कितना भी लग जाए, पैसा कितना भी लग जाए मैं पैसा दूंगा, पर मेरे को डाटा चाहिए इंपोर्टेंट। पर मैंने उसके बोल भी दिया कि 1% डेड का भी चांस भाई, रिस्क लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं आपके लिए, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि ना करते करते भी कोई काम खराब हो जाता, बचाने के चक्कर में होते हैं तो वो बच नहीं पाता। ठीक है, तो ये सारी चीज कस्टमर को बतानी चाहिए, समझानी चाहिए, और आपको देखनी चाहिए। भाई देखो, एक बड़ी गड़बड़ होगी, हमने पहले तो गौर किया नहीं, देखा नहीं, अभी ये मैंने जब UFI में लगाई तो ये ब्लैंक आ रही थी, तो मैंने चेक किया अच्छे से, यार ऐसे कैसे हो सकता है। अब ये देखो, आपको दिख रही होगी ना, ये कोने से चटक रही आई सी, ये देखो सबरी मेहनत पे पानी फिर गया, जो भी डाटा निकालना था सब खराब हो गया। ये देखो, ये देखो, और मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो दिख गया ना, ये यहां से चटकरी है आई थी, ये चटकरी पूरा, ये देखो। अब जब इसे मैं UFI में कनेक्ट करता हूँ, ये हमारा UFI है और लगाया इधर, एक हाथ से वीडियो एक हाथ से वो, ठीक है, ये हमारा PC डिटेक्ट किया, ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा, ये ब्लैंक आ रही है, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये बस इतना दिखा रहा है कि VGA 254 128 GB है, और इसे हम जैसे पार्टीशन चेक करते हैं तो वो भी ब्लैंक आ रहा, कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं, खत्म। ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा, खत्म, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब हमारा किराए पे पूरा मेहनत पे पानी फिर गया। सबसे पहले तो यही चेक करना था हमें कि भाई ये टूट तो नहीं रहा, हमें डाउट था पहले, पर पहले देखा नहीं था इतना, अब क्या हो गया बताओ, अब क्या करें, अब कैसे डाटा रिकवर होगा, अब तो नहीं हो डाटा रिकवर, स्वैप होगा ही नहीं मदरबोर्ड, ना कुछ हो सकता, अब इसका बताओ, ये चटका पड़ा, ये देखो दिख गया ना, ये देखो
पूरा करे कराए पे पानी फिर गया यार। ओ कुछ नहीं हो सकता यार, कैसे डाटा बचाऊं यार। ये वो बोल रहे थे कि थाने फाने में देना था फोन को, कुछ नहीं है। तो भैया वैसे तो स्वैप इसी तरीका से होता है और इसी तरीका से हम करते हैं हर किसी फोन को। जब भी कोई फोन आता है या कोई डाटा होता है इम्पोर्टेंट, अगर किसी का मदरबोर्ड खराब हो गया तो वो इसी तरीका से हम करते हैं कि EMMC IC को निकालते हैं और CPU को निकालते हैं और सेम मदरबोर्ड में डाल देते हैं। जैसे ये सेम मत फोन था, चालू था, इसके अंदर उठा के डाल देना था, ठीक है। और ये जो भी डाटा था सब रिकवर हो जाता हमारा, कुछ भी नहीं जाता इसमें से। तो बस आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो में कुछ अच्छा मिला हो सीखने के लिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट दोबारा मिलेंगे ज़रूर। और भी कुछ वीडियो आ रही बहुत अच्छी।